है दूसरे घर में और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर मैट लगा रहे तुम्हारे बाजू में देखना, यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिख रहा है। फाइनली हम लोग का डिसीजन हो चुका है, अंकल ने जो घर पसंद किए वही हम लोग ने भी घर पसंद किए थे। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस आ चुके हैं नवे ब्लॉग के साथ और अभी हम लोग जा रहे हैं नवी मुंबई, क्योंकि हम लोग जैसे आप लोगों को पता है हम लोग घर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत से घर देख लिए जो कि हमारे लिए नहीं बने हैं वो घर, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड है और हमारी फैमिली माशाल्लाह अच्छी है, तो हम लोग को अच्छा घर रहना था बट वो नहीं मिल रहा इधर। तो सुफियान और मीरा ने आइडिया दिया, बोले चलो वहीं आ जाओ, तो हम लोग सब लोग मिल के जा रहे हैं नई मुंबई, तो वहाँ पर घर है। तो सुफियान ने एजेंट से बात किया वहाँ पर, तो उन्होंने बोले आ जाओ है एक घर, तो अभी वही देखने जा रहे हैं। तैसे नहीं आ रहे क्यों? अच्छा इसके लिए। तो गाइस आई सर रेडी हो गए, दानिश रेडी हो गए, आंटी रेडी हो गए, अंकल तो जॉब पे गए हैं और हस्बैंड भी नहीं है, तो हम लोग तीनों ही जाके देख के आएंगे और जो फैसला रहेगा वो बता देंगे। तो जल्दी जल्दी जाना और गाइस कल ले लेना ताकि मैं भी देख सकूं। अच्छा वीडियो कॉल ही कर देंगे ना तुम। और गाइस यहाँ आज कल हम लोग के दोस्त की हल्दी है तो उसके लिए भी तैयारी करना है, तो नवी मुंबई से आगे फटफट इधर आके हम लोग को सब तैयारी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड है हम लोग, क्योंकि कल लोग की हल्दी है तो हल्दी खेलने बहुत मजा आएंगी। तो जाते हैं जल्दी जल्दी पहले नवी मुंबई, ओला बुक कर रहा दानिश, फिर मिलते हैं आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर। गाइस हम लोग उतर गए नीचे और यहाँ पर क्लाइमेट देखो ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। ओ गर्मी से अभी डायरेक्ट बारिश आ जाएगी, अच्छा आना चाहिए, पहली बारिश में खामोनिया मिट जाती है, फिर खामोनी वापस हो जाएगी। तो गाइस चलो जल्दी जल्दी ओला बुक हो गई हमारी, जल्दी जल्दी जाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया और वहाँ का रूल है कि 6 बजे के बाद ना घर नहीं दिखाते और हम लोग बजे है 4, अभी 1 घंटे में नहीं है, हम लोग को पहुँचना पड़ेगा उधर। तो जल्दी जल्दी जाते हैं, मिलते आपको। गाइस वहाँ देखो क्या धूल मट्टी उड़ रही है, हवा बहुत चल रही हो, तूफान, अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, इसकी आग संभालो। बाप रे बाप क्या हो रहा है ये, बहुत आ रहा है, चल आजा कोने में, व्हाट इज हैपनिंग दिस ईयर, क्या हो रहा है ये। अरे रिजल्ट क्या हुआ क्या आईबा। सो गाइस पहली बारिश हो चुकी है हमारे यहाँ पर, अरे पहली बारिश हो गई, आशल की पहली बारिश। इसकी बारिश नहीं जोर से नहीं है, ये बूंद बूंद जोर से नहीं हुई, चेंबू से तो हुई। हां सो गाइस आप लोगों को मिलता हूं आगे। गाइस क्या तूफान आ गया है कसम से, इतने टाइम में मतलब धूप थी अब अचानक से क्या बारिश हो रही है इतनी तेज वाली, गाड़ी हम लोग के ऐसे से घूम रही है, हवा इतनी चल रही है ना कुछ भी नहीं दिख रहा है। चुप रहो, मैं बता रही हूँ लोगों को करके कैसे ऐसे हिल रहे हम लोग, आपको दिख ही नहीं रहा आजू बाजू। हाँ भाई दो दिया हो, देखो वो बेचारा दो सिग्नल लगा के चल रहे हैं, आप उन्हें भी चालू कर दिए। अच्छा है, देखो सब ऐसे ही चला रहे पूरा अंधेरा। हम लोग इतने लक्की है नवी मुंबई के लिए, जैसे हम लोग पहुंचे वैसी बारिश इधर होने लग गई, वाओ या क्लाइमेट चेंज है ना, मैं आ रहा हूं इसके लिए पागल, ओ ऐसा मालूम पड़ गया, ऐसे लग रहा है मतलब तूफान हिलाने के लिए। अब तुम खुद एक तूफान जैसे हो, तपले दुबले तूफान आ रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते एकदम स्ट्रॉन्ग तूफान आ जाए हम लोग घुसे तो। तो गाइस चलो जाते हैं घर देखने के लिए, सुफियान निदा लोग आ रहे हैं, बोले तुम लोग पहुंचे तब तक आते हैं हम लोग, तब तक हम लोग घर देख लेंगे, तो मिलते हैं आप लोग को आगे। गाइस हम लोग रिक्शा में बैठ गए, गाइस क्या है बोले मेरे को यहाँ से वहां घुमा ले, हाँ तुमको बारिश में भीगोगे, बारिश में भिगाएंगे तुमको। गाइस हम लोग आ चुके हैं घर, देख लो यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिख रहा है, इस पे गिर नहीं जाएंगे टूट नहीं जाएगा तेरा वेट नहीं संभाल पाएगा। अच्छा अच्छा लग रहा है घर, बड़ा बहुत है, बड़ा बहुत है, बड़ा बहुत है, अच्छा भी है, देखते फिर आगे क्या हो रहा है, तुमको नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा ना तो फिर घर भी ना, दो ऑप्शन है ना। अच्छा ठीक है, तो गाइस अभी दूसरा घर देखने जा रहे हैं, चलो देखते हैं वो पसंद आता है नहीं आता। गाइस हम लोग आ चुके हैं दूसरे घर में और यहाँ पर हम लोग देख लिए, तो यहाँ पर मेट्रो का व्यू और स्नीता भी आ चुकी है, हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे बाजू में। तो गाइस अभी तो और से साथ में अगर घर से साथ में घर के साथ में बच्चा भी खरीदे कबूतर का है, वो तो हमारे घर में ही बच्चे दे दे कर अकेले कबूतरों ने।
हाँ यहाँ पर झूला लगा देंगे वॉकिंग हो जाएगी। तो गाइस चलो अभी घर का डिसाइड करते, बात बात करते, घर पे भी जाके बात बात करते हैं क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है यहाँ का मोमोज मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, मम्मी को भी मोमोज पसंद है, बाकी एरिया में इतना अच्छा मिलता नहीं है। मम्मी के लाया मैंने मोमोज, मम्मी मैंने लाया मैंने मोमोज खा के देखो कैसा कैसा नहीं। आईसल को मेरे को दे दो ठीक है, तो वो तारीफ करता था ना, मम्मी देखो तो सही में बेटा क्या खाता है। चलो मम्मी तुम टेस्ट करो, मैं जब तक आई ठीक है। तो गाइस आंटी ने खा लिया, अच्छा है आंटी, हमारा बहुत अच्छा, मम्मी भी नहीं मिलता है यहाँ पर किधर भी नहीं, अच्छे मस्त एकदम टेस्टी बनाता है। हाय भयो दानिश का फैन है इसका, रोज हमेशा आता था यहाँ खाता ही है बेटा, अच्छी होती खाते अच्छा खाते है। सो गाइस हम लोग घर पर आ गए थे और अब रेडी होके वापिस हम उतर रहे हैं नीचे। जैसा कि आप लोग को मैंने बोली थी कि हम लोग को लेना है हल्दी का सब सामान वामान, तो उसकी झोलम झाल करना है। अभी दानिश के पास तो हल्दी का है, मेरे पास है, बट मेरी शादी का बहुत हैवी है तो वो पहन नहीं सकती, तो मम्मी से मैंने रिक्वेस्ट की मम्मी के पास होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो फिर लेना पड़ेगा, देखते हैं। आइजल को क्या तुम्हारा ड्रेस याद आ गया मुझे, चलो गाइस जाते जाते मिलते आप लोग आगे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मम्मी के घर पर, नानी के घर पर आ गए हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी ये लोग सब काम में बिजी हो गए हैं, तो मम्मी ने मेरे लिए कपड़ा निकाल के रख चुके थे हल्दी का, क्योंकि मैं उनको रास्ते में बोल चुकी थी कि कपड़ा निकाल के रखना इसके लिए। क्या हुआ, टेंशन है, उसको लो। तो गाइज ये दिया हल्दी का ड्रेस, अभी इसके ना मुझे देखना पड़ेगा कि आता है कि नहीं आता है। मम्मी ये तुम्हारी साइज का है ना हल्दी का ड्रेस, तुम्हारी साइज का है ना हल्दी का ड्रेस, आएगा मेरे को बराबर। अच्छा और इयर रिंग्स, अरे यार अब मैं इसे नीचे पहनूं क्या ऊपर इयर रिंग, हाँ है एक ब्लैक और गोल्डन, ब्लैक जाएगा ब्लैक और गोल्डन, तो देखते हैं वो तो अरेंज कर लेंगे गाइस अभी। और यहाँ पर लोग मस्त काम कर रहे बेचारे लोग, है ना बेचारे, वो मैं आई तो ये लोग काम करते ही थे और मेरे आने तक ये लोग पूरा काम खत्म भी हो चुका है, तो मेरी कुछ हेल्प चाहिए ये बेचारे अब्बा काम करते कितने अच्छे लग रहे, अच्छा लग रहा है वो है शेफ। क्या हुआ क्यों रो रही है वो, क्या हुआ मम्मा क्यों रोना आ रहा है तुमको, सी नाक से आ रहा है यो। तो गाइस यहाँ पर पूरा पसौड़ खाना पड़ा, चलो जाएंगे अपन घर पे, घर पे बात करने का अब्बा से क्या है। और तुम लोग का मालूम गाइस हम लोग ने घर देख के आए नवी मुंबई में, तुम्हारे बेटे के पास जा रहे हैं हम लोग, अरे तुम लोग का साथ बहुत मिल गया, हम लोग को ही बेटे का साथ चाहिए। नहीं यहाँ पर घर के रेट अब्बा को पता है, सही बात है सही बात है, इसके लिए अभी से बॉन्ड बनाना जरूरी है भाई बहन से। तब्बा तुम नहीं बोल रहा यहाँ भाड़े बहुत ज्यादा है, और वही चीज में हम लोग को वहाँ पर 3 BHK मिल रहा है, वही ना यार, तो छोटे छोटे घरों का मालूम नहीं पड़ता, सही बात है। और गाइस इतना भाड़ा है मतलब पूछो मत, इसके लिए हमने सोचे वहाँ का डिसीजन लेते हैं, यो यो नहीं कर यार, चलो जाएंगे घर पे देखते हैं, अंकल से बात करते हैं क्या बोलते हैं, शिफ्ट होने का है कि नहीं है वो भी डिस्कस करना है, तो मिलते हैं आप लोग आगे। गाइस हम लोग आ गए हैं घर पर और अभी अंकल को बताने की बारी है, अब हम लोग से बताना से पहले आंटी ने बता ही दी होगी ऑलमोस्ट, है ना आंटी क्या बताते हैं, तो दो घर देख लिया अंकल, दोनों सेम सेम थे 3 BHK, अब उसमें से पसंद करना है तुमको वीडियो देख के। हाँ देखा है वीडियो तुम्हारे वाले भेजी ना मैंने, पहले पसंद वाला दिखाओगे बिना पसंद वाला, अब फोन मत बताओ उनको दे दो, हाँ देखते ना वो कौन पसंद आता है, नहीं कौन सा दिखा पहले, क्या बोल रहे थे बोलो अंकल, ये अच्छा अभी हम दूसरा देखे नहीं हमने, अच्छा देख लो ये पहले, ऐसी देख भी नहीं एसी से कुछ भी नहीं अंकल, इधर तो लाइट भी नहीं दिया था, देखो तो एसी भी नहीं था, बाप रे बाप, बोलते ना बड़ी बड़ी जगह पे बड़ी बड़ी सोच रखना पड़ता है ऐसा है, गाड़ी भी नहीं है, हाँ अंकल नीचे बंगला भी दिया उसने, तो
क्या बोल रहे अंकल? ये वाला मकान ये कौन सा? कितने माला वाला? ये 14 माले वाला। ये अच्छा है? कौन सा अच्छा है दोनों में से? पहले का तो 11 माले का पसंद है। पहले कौन सा अच्छा है? 14 माले। ये अच्छा है ना? 11 माले का पसंद था ना? एक ही दिखा था ना। अच्छा ऐसे बोल रहा आदि नॉलेज ने आप लोग भी आधा ब्लॉग देखते हो अभी क्या करना है ये अभी क्या करना है बुक कर दो क्या हिसाब हिसाब किताब किताब बता फिर मिलता हूँ। फाइनली हम लोग का डिसीजन हो चुका है। अंकल ने जो घर पसंद किए वही हम लोग ने भी घर पसंद किए थे। फिर वहाँ पर अभी सब भाड़ा वाड़ा डिसाइड करके हम लोग के ऊपर डिसीजन ये आया है। अंकल बोले मैं सबको एक एक दिन का टाइम दे दो, मतलब तुम अपना सोचो वो अपना सोचो, लोग अपना अपना सोच के फिर फाइनल डिसीजन लेके फिर हाँ बोलेंगे। तो क्या रहेगा डिसीजन वो बता देना ओके कल तक। हाँ अभी रोज रोज यही बात होती है। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा जो भी फैसला है मेरी जज के पास है। माँ की दुआ उनको क्या होंगे तो घर पे ही रहना है। मैं तो तुम लोग को है बड़ा बुक हो गया था क्या बात में। अच्छा यहाँ पर झगड़े चालू हो गए वो घर पे जाने से पहले ही यहाँ पर किटकिट किटकिट चालू हो गए। ये दोनों बहुत किटकिटे हो गए जाने से पहले वो घर का काम ही नहीं हुआ है ना घर मिले हुए वो ऐसी करके हम लोग घर पसंद आया था गाइस। ये घर जब खाली करने का उन्होंने सोचे थे तभी वो घर में जाने से पहले ये क्या करेंगे वैसा क्या करेंगे वो घर भी हम लोग का चले गया। आंटी इतना अच्छा अच्छा घर आए थे ना ये लोग की किटकिट से ना पूरे चले जाते हो तो फिर सही में हाँ एडजस्ट करना सीखो। वो बोर्ड के नीचे देखो पेन का निशान दिखा अनजान में नहीं होता है ना अंकल वही चीज मैं अभी ये पानी के हिसाब से पानी गिला था। ये नहीं छोड़ दो ये तो पता है हम लोगों को पानी कैसे। इसमें क्या होता है मैं फिर एक एक जन कहता ना एक जन फिर ना फिर उसका देख रही ना चार लोग पांच लोग और करते थे तो करेगी नहीं बच्चे करते बच्चे उसको ऐसे मैनर सिखाओगे कि वो मेरी आवाज से ही बैठ गया। वो तैबा दीदी के बच्चे मैं तैबा दीदी के बच्चों के जैसा ही बनाऊंगी मैं। तो सब बच्चे एक साथ मिलते हैं तो सब खराब हो जाते हैं तो मैं एक ही चीज पूछ रहा हूँ बच्चे मिले ये खराब हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अंकल अंकल वो अंकल सबको डिपॉजिट लेके रखते हैं। काम होना होती है डिपॉजिट हमारे हाथ में रखो जो जो खराब हो रहा है उसमें से माइनस कर सबको मैं बोल दूंगा कि भाई बच्चे को ध्यान रखो कोई चीज खराब नहीं करना। हाँ, वो बात भी है सब बच्चे कोई नहीं बोल सकते सब मिलते जुलते ना तो सब खराब होता ना। अभी सुफियान नेता क्या कर रहे मीटिंग कोई बच्चा ही नहीं होता बच्चा नहीं ना कोई आता है अभी लोग बना रहे मीटिंग क्लीन ही है जब जाबर जॉइंट फैमिली होगी ना उधर खराब होता ही हो हर घर की कहानी और बाकी जॉइंट फैमिली में मजा भी है वो मजा है सही बात बोल मैं तो शादी से पहले मिले हुए नहीं लोग इतना खराब हो मैं बुलाती नहीं तैसे नहीं तैसे नहीं जब शादी हुआ था ना ससुराल में फोन लगा के बुलाती थी तैमा दीदी को ही बुलाती थी समझो ना ये घर है ना इतना सी काटता था ये लोग सब चले जाओ खाली खाली लगता था घर में आंटी हॉल में रहे बेडरूम में रहे तो मजा नहीं आते नहीं सही बात अभी अरकान नहीं तो वो तो कैसी हो गई है। अरकान तो खेलती थी वो हाँ बोले अरकान नहीं तो उसकी मम्मी तो सही सही बात है कोई कम नहीं होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए सही बात समझदारी होना चाहिए बच्चों में भी और बड़ों में भी बच्चों में भी सही बात सबके अंदर एक समान होना चाहिए मतलब। तो ब्लॉग इधर ही एंड करते आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।